हेलो एवरीवन, हायर सेकेंडरी एग्जाम कैंसिल हो इतिया तुम लोग सबरे माथा क्या ना क्या चलि मार्क्स की बेसिस दी एडमिशन के हम चिंता आबाद एक चिंता कर ना एक्चुअली कारण गवर्नमेंटे क्या रूल बनाब एक्जेक्टली 10-15 डेजर पीछे तुम लोग क्या आइडिया पा जा रिजाल्ट के दी बट आम चिंता तो हम लगे एडमिशन सो व्हाट नेक्स्ट एक्चुअली तो कारबार इंजीनियरिंग कर मन आज भल्के आई टी जेईर एंट्रेंस दूटा बाकी आज दूटा हो गल सो यू आई थिंक जुलाई 15 और अगस्त 15 मजद हो जा एंड नीटर एग्जाम आज नीटर एग्जाम मोस्ट प्रबेबली सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक लेके हो जा जार मेडिकल मन आज देन आसाम सी डब्ल्यू आसाम सी डब्ल्यू तुम मोस्ट प्रबेबली अगस्टर लास्ट एग्जाम हो जा लगे देन सिमिलर तेजपुर यूनिवर्सिटी और बाकीबूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जो तुम लोग एडमिशन लब मन आसो इतना कथा हल एंट्रेस जिमान टाइम आज तुम लोग समय तुम लोग कि करवा यू फर्स्ट क्वेश्चन और केनेके करवा सो तारे यू नीड ए प्लेन एक्चुअली सो प्रपार एट प्लेन लगे आम एंट्रेस क्रेक करके क्रेक कर कारण एस एस एग्जाम ऊपर भरोसा कर लाभ ना एग्जाम नो मार्क्स पार्सेंटेज ऊपर एडमिशन जो हम सो आम भाई थकिले नाम काम कि एग्जाम नारे तो इतना तो तुम लोग फ्री तो अफकोर्स इतना आम एटलिस्ट प्रिपेयर कर दुमाह तो प्रिपेयर कर निजर बेस्ट दी ट्राई तो राइट सो प्रथम एंट्रेस जिको एंट्रेस दियार आगे तुम लोग माथा आए जो क्लास 12 पढ़ीम ने क्लास 11 पढ़ीम सब सब स्टूडेंटर है आमारो आसले एटा समय बट एटा सबसे डांगर मिस्टेक कारण एंट्रेन्सर एटा प्रॉपर सिलेबस आछे आरो सिलेबस तो क्लास 11 क्लास 12 दुटा मिक्स अप है अलमोस्ट दुटा पार्ट ऑफ 50% 50% आहे तो जेई कारणे जदि प्रिपेयर करसा 11 12 बाद दि गुटे होल जोंतु सिलेबस एटा सिलेबस फोकस करबोले आरो एच एस जो एग्जाम दी गई आज तक क्वेश्चन तुम लोग सब्जेक्टिव है 5 मार्क्सर क्वेश्चन है तुम लोग प्रूफ लिख लगे साइंस मेथ्स गोटे प्रब्लेम तो लगे भल्के लिख लगे बट एंट्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रम एच एस एग्जाम बिकज इते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें कन्सेप्ट भल्के और प्रेक्टिस भल्के हम लगे प्रेक्टिस एबाउट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो तुम लोग प्रूफ प्रेक्टिस करा एच एस लिखीम सभी ना तो तारे एवरी चैप्टार तुम लोग प्रॉब्लम बाची लगभ लगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर लगे बुक्स भल भल बुक्स लो लगे जे जे प्रीवियस ईयर 10 ईयर सॉल्यूशन खी चाँ तार आगते मेटेरियल एबार पढ़ी लो एबार 11 12 जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसे ना एबार क्लास जो 12 दी आसा 11 तो पढ़ा ना इन दिन तो क्लास 11 और बुक दिखो आको स्टार्ट करा हेतु तुम्हार जेई नीट हक आसाम सी डब्ल्यू कारण और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जे तेजपुर यूनिवर्सिटी कारबार अकल बीएससी करबो आसे मोर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनीथिंग तो तात तो एटा सब्जेक्ट करे मोस्टली एंट्रेंस माने तेजपुर यूनिवर्सिटी बेसिकली जो सी डब्ल्यू तेजपुर यूनिवर्सिटी जो इंटीग्रेट एमएससी कारण प्रिपेयर कर एटा सब्जेक्ट आइबो तो ताहाती फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिया जो फिजिक्स केमिस्ट्री बेसि फोकास नाराखी गोटे मेथ्सर 11-12 खी कमप्लीट कर एक नाथा कमप्लीट कर दुमाह टार्गेट बन ला दिस 60 डेज मैं ये एने के पढ़ीम एतिया आरो रिजल्ट 10-15 डेजर पीछे कि केनेके इवालुएशन प्रसेस तुम लोग जानवे रही थक 15 दिन अलग एडवांस हो लगे एक प्रब्लेम नहीं तो आम इतार स्टार्ट करूँ तो आम गोल तो आम एचिवेबल है और जो भाई से ड्रप दिम बिकज मेडिकल कारण दुमाह कम समय है और आई आई टी कारण हम एन आई टी कारण दुमाह इन इजी ना जो भल कन्सेप्ट नाथा भल्के पढ़ा ना और क्लास 11 तो थकी गई आम सो तुम लोग चिंता करा जो ओके ड्रप दिम कोचिंग जॉइन करम कोचिंग जॉइन कर फेज तो मजदूर दुमाह समय आसे ना दुमाह बेसिक अंडारस्टेडिंग तो शेष कर इजी इजी क्वेश्चन डेफिनेशन हक प्रपार किसान बस्तुत जो मोर कैलकुलस तो अलग उक आ मोर मेकानिक्स
উইক আছে বা ইনঅৰ্গেনিকৰ বা ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি কৰোঁতে মেথছটো উইক আছে, তো যিখিনি বস্তু আমাৰ দৰকাৰ হয় বেছিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফিজিক্সত দৰকাৰ, সেইখিনি এবাৰ আমি কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰোঁ নে? চ' এই দুই মাহ সময়টো যোনটো আমাৰ ওচৰত এতিয়া আছে এইখিনি সময় বহুত ক্ৰুচিয়েল। তাৰপাছত এইখিনি সময় যদি তোমালোকে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰা, দিছ গ'লছ আৰ নট ডেট মাছ ষ্টাফ। চ' ডেডিকেশ্যন হাৰ্ড ৱৰ্কটোৱে সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, এণ্ড সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেন। উইদাউট প্লেন যদি পঢ়া একো লাভ নাই, প্ৰপাৰ প্লেন এটা যদি ফিক্স কৰি নোলোৱা যে আচ্ছা 60 days এভৰি ডে পাঁচ দিনত বোলে ইমানকেইটা চেপ্টাৰ, নেক্সট 5 days ইমানকেইটা চেপ্টাৰ, তো যেতিয়া তোমাৰ কামবোৰ কমপ্লিট হৈ গৈ থাকিব তেতিয়াহে গ'লটো এচিভেবল নিচিনা ফিল কৰিবা। এনে পঢ়াটোকে যদি পঢ়ি থাকা ইট উইল নট হেল্প ইউ। ইটছ লাইক আচ্ছা 12th মই পঢ়িয়ে আছোঁ ইমান দিনৰ পৰা, বাট 11th মই একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ। তো ষ্টাৰ্ট ৰিডিং দ'জ থিংছ, ক্লাছ 11ৰ বুক উঠাই লোৱা, হয় নাই? চ' দিজ আৰ দ্য থিংক। এই ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ, আৰু কিবা যদি হেল্প লাগে দিছ এণ্ট্ৰেঞ্চ ৰিলেটেড কমেণ্ট কৰিব, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে, ফিল ফ্ৰী টু আস্ক। চ' দিছ ইজ ইট, থেংক ইউ।